सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आप सभी के लिए आ चुका हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम यहाँ पे गेम प्ले एनालाइज, कुछ इपिक सीन्स और कुछ अलग ट्राई किया है मैंने। तो अभी आप देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो लास्ट तक देखो, आप सभी को पता लग जाएगा। और ये मैंने एक अलग सीरीज़ स्टार्ट किया है क्योंकि भाई हम कुछ नया ट्राई करने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको नया ट्राई करते हैं। और आपने जो बाकी सपोर्ट दिखाया बहुत ही अच्छा था, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और ये जो बंदा है भाई, जिसको मैं आज एनालाइज करने वाला हूँ गेम प्ले और कुछ इपिक सीन्स दिखाने वाला हूँ, ये बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है और इसका नाम है फतेह गेमिंग। अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो गई तो भाई माफ़ कर देना। ये बंदा स्नाइपिंग, असोल्टिंग, हर चीज़ बहुत ही प्यार से यूज़ करता है, बहुत ही तगड़ा यूज़ करता है। तो चलो यार, मैं आप सभी को उसका कुछ गेम प्ले, कुछ इपिक सीन्स दिखाता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, और इसके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो चलो सीन्स दिखाता हूँ। सो भाई, अगर आपने ये क्लच अच्छे से देखा होगा तो आप लोग को यहाँ पे समझ आया होगा कि इस बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसकी गन पावर की तो भाई बात ही मत करो। रिफ्लेक्सेस आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जो सामने की तरफ ही बंदा जाता है, उसको एक बंदा दिखता है, तो इजी बस नॉर्मली फायर देता है, उसको नॉक करता है, बट सामने वो देखता है कि बंदा और पीछे से बंदा है, तो बट यहाँ पे सामने वाले को नॉक करता है ताकि पीछे वाला जैसे फायर दे वो प्रोन होकर ईजिली निपटा देगा उसको। तो ये बात ईजी यहाँ पे ये क्लच हो जाता। तो अभी बात करते हैं भाई इसकी स्नाइपिंग। भाई इसकी स्नाइपिंग भी किसी से कम नहीं है भाई, ये गॉड लेवल स्नाइपिंग करता है। तो अभी आप लोग इसकी कुछ स्नाइपिंग क्लिप्स देखो। तो ये आयरन साइट की शॉट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई इसका स्नाइपिंग कैसी है। और यहाँ पे इसने 300 मीटर दूर इसने स्नाइपर का शॉट लिया था, वो भी आयरन साइट से, जो कि आपको पता ही होगा भाई कितना हार्ड होता है। और ये बंदा तुक्का नहीं लगाता, ये बंदा हमेशा से ग्राइंड करता हुआ आ रहा है, और इसके पुराने वीडियोज़ भी मैंने देखे। तो एक और क्लिप देखो। अब बंदे की स्नाइपिंग देख के तो भाई मैं इसका फ़ैन हो गया। और भाई ये सिर्फ ज़मीन पे स्नाइप नहीं करता, ये हवा में भी स्नाइप करता है। तो अभी आप देखो, अब इसकी कुछ स्नाइपिंग क्लिप्स देख के ही आप इसके फ़ैन हो गए होंगे, मुझे पता है। और आपको ये ऐसी स्नाइपिंग देख के भाई, अगर आप 1v4 सिचुएशन में भी अगर आप ऐसी स्नाइपिंग करते हो तो भाई ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। और ये बंदा 1v4 में भी स्नाइपर यूज़ करता है एक नेक्स्ट लेवल की, जो भाई बाकी बंदे शायद ही करते होंगे। और भाई मैं आप लोगों को ये क्लिप्स भी आपको दिखाता हूँ, ये वाले क्लिप्स देखो और फिर बताना मुझे कैसे स्नाइप करता है। अब अगर यहाँ पे ये चाहता तो भाई वो इजीली यहाँ पे ऑग से उसको मार सकता था, बट यहाँ पे ये ओम से मारता है क्योंकि भाई ये अलग ही लेवल का सेवेज हो जाता है। और आप समझ ही सकते हो भाई ऐसे मारने में कितना कूल लगता है। और भाई अगर ऐसे शॉट्स लेने इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई यहाँ पे इसकी मौत हो सकती थी, बट यहाँ पे इसने बंदे ने फिर भी ट्राई किया। और चलो यार, मैं अब इसको इसकी गन पावर आपको दिखाता हूँ कि गन पावर कैसी है इसकी। अब आपने इसकी गन पावर का अंदाज़ा लगा लिया होगा। और अभी आप लोगों को मैं एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसको देख के यार आप लोग को दिल से एकदम एक ही चीज़ निकलेगी, भाई ये क्या है, ये हैकर है ये क्या है। और ये FPP का इतना प्यारा यूज़ करता है ना कि आपको देख के बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। तो देखो फिर अब इस क्लच में इसने दो चीज़ बहुत ही प्यार से यूज़ करा है, जिसको कहते हैं गेम सेंस और FPP मोड। देखो भाई, FPP मोड इससे अच्छा कोई यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पर्सन करता है स्विच, इसको डायरेक्ट सिंपल यार एकदम बंदा दिखता है क्लियरली और उसको मार देता है। देखो अगर हम लोग PvP खेलते हैं तो उसके अंदर बंदा क्लियर नहीं दिखता है। अभी प्यार से ऊपर से बंदा आएगा, इतना प्यारा इधर क्लच हो जाता है। और गाइस बस यही चीज़ है कि यहाँ पे FPP का यूज़ क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई बस ईजिली आपको बंदा दिख जाएगा, बट आपका क्लोज रेंज भी अच्छा होना चाहिए। अभी आपको एक और क्लच दिखाता हूँ जो कि भाई बहुत ही प्यारा क्लच होता है। और गाइस इस बंदे का इसका गेम सेंस बहुत तगड़ा है। I can't find my way.
तो भाई इस क्लच में इस बंदे का कॉन्फिडेंस देख सकते हो भाई, ये बंदा कभी भी पैनिक नहीं हुआ, बहुत ही इजीली इसने माइंडसेट को अपना रखा है और कॉन्फिडेंस अपना हाई रखा है। क्योंकि भाई देखो अगर आप पैनिक होते हो तो भाई आप आधा गेम तो वैसे ही हार जाते हो, तो फिर बात तो है ही नहीं भाई क्लच करने की। तो चलो यार मैं इसका गेम प्ले एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है यार उसके लिए वो नेट डालता है, अगर वो गाड़ी से कनेक्ट होती है तो एक दो बंदा तो ईजिली नॉक हो जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे सामने बंदा होता है, ये कवर टू कवर गेम खेलता भाई, देखो डैमेज दो अंदर आओ, सिंपल बात है डैमेज दो अंदर आओ। अभी आप इजीली आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ये डैमेज दो अंदर आओ वाला पूरा गेम अपना स्नैक्स भाई से इंस्पायर है बंदा पूरा, मैं समझ रहा हूँ। अब जब भी आप किसी भी बिल्डिंग से जंप करो ना तो FPP मोड करो, क्योंकि क्या होता है कि FPP मोड होता है तो भाई नीचे के जितने बंदे होते हैं सब दिख जाता है, कभी बॉडी एक्सपोज नहीं होता। तो यहाँ पे सामने से बंदा आता है वो FPP से इसलिए करता है भाई ताकि भाई उसको सारा चीज़ दिख जाए। और अभी यहाँ पे क्या होता है भाई, ये FPP इसलिए नहीं करता है यहाँ पे क्योंकि भाई ये बंदा थोड़ा सा पैनिक हो गया था यहाँ पे, और इस टाइम क्या होता है भाई चुपचाप इजिली आ रही, तो लास्ट वाला बंदा तो उसने सिंपल से मारा है, उसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की बात है नहीं। तो भाई बात यही थी, बस एक्सप्लेन इतना ही करना था। और इसके बाद क्या होता है मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ है, थोड़ा सा एट्रैक्टिव चीज़ है भाई, मेरे को खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो यार हकर। दोनों बंदों पे था भाई असॉल्ट राइफल और इसके पास पिस्टल था, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने हैंडल करा है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये क्विक शॉट कितने प्यार से लेता है, वो क्रॉसबो का एक शॉट है देखो गाइस। तो आपको इसके क्विक शॉट देखने का भी मौका मिल गया। कुल मिला के मैंने जितना हो सकता था मैंने इस बंदे का गेम प्ले, गेम सेंस, कुछ अच्छे मोमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी, और मैं कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहा था इस वीडियो में। तो होप सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ चाहिए। सो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।